फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लॉन्ग ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। ये आप साड़ी और लहंगा दोनों के साथ यूज कर सकते हो। तो ये है इसका मेजरमेंट। पहले ये मेजरमेंट आप नोट कर लीजिए। तो इसका लेंथ है 21, छाती है 38, कमर है 35 और हिप है 39, शोल्डर 14.5 इंच। तो इसका हाफ लेना है, 2 से इसको डिवाइड करना है 7.25 और आर्म होल 7.2 लेना है। अभी नेकलाइन 2.5 ये होगा। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज बनाओगे तब 2.5 और बूट नेक होगा तब ये 4 इंच देना है नेकलाइन। तो आप जिस तरीके से ये ब्लाउज कटिंग करोगे उसी हिसाब से आपको नेकलाइन देना है। तो मैं बूट नेक बनाऊंगी इसलिए मैं 4 इंच नेकलाइन रखूंगी। उसके बाद नेक डिप्थ ये है बैक साइड का। तो अगर नॉर्मल होता है तब 2 इंच देना है बैक साइड पे और फ्रंट पे देना है 6.5 इंच। ये मिनिमम 6.5 इंच देना है, आप अपने हिसाब से इसे भी ज्यादा दे सकते हो। उसके बाद ये है बोट नेक पे फ्रंट नेक डिप्थ, ये 3.5 इंच मैंने दिया। आपको अगर 4 इंच चाहिए तो आप दे सकते हो अपने हिसाब से। ये है बोट नेक के हिसाब से ये 3.5 इंच ये है फ्रंट पे और बैक पे होगा 3.5। बोट नेक पे फ्रंट और बैक दोनों सेम होता है। तो अभी इसके हिसाब से ये कट करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके लिया। ये 2 फोल्ड है, ये ओपन साइड है, ये जॉइंट साइड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेंथ लेना है। तो यहाँ से लेंथ देना है। तो लेंथ हमें 21 चाहिए, 21 लेंथ है। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 1.5 इंच। अभी क्या करना है, पहले शोल्डर देना है। तो शोल्डर कितना था, 14.5 इंच था। इसका हाफ लेना है, ये बोट नेक होगा इसलिए मैं जितना शोल्डर मिला उतना ही रखूंगी, 7.25 रखूंगी। तो शोल्डर में 7.25 दिया, यहां तक शोल्डर लिया। उसके बाद नेकलाइन देना है, ये बोट नेक है इसलिए मैं 4 इंच रखूंगी। अगर आपको बोट नेक बनाना है आप अपने हिसाब से ये 4.5 या 5 इंच भी दे सकते हो। ये है नेकलाइन। उसके बाद नेक डिप्थ लेना है, ये मैं 3.5 इंच रखूंगी, यहाँ से यहाँ तक 3.5। अपने हिसाब से आप 4 भी दे सकते हो। फिर यहाँ से भी 4 इंच पे पॉइंट लगाना है। अभी इसको मिलाना है इस तरह से, फिर इसको राउंड शेप देना है। ये हो गया। अभी आर्म होल लेना है। तो आर्म होल कितना था, 7.2 इंच था। ये 7.2 यहां से भी लेना है। जितना मैंने शोल्डर लिया यहां पे भी लेना है सेम 7.2। तो अभी इसको मिलाना है। ये मैंने मिला दिया। तो अभी जितना ये आर्म होल लिया यहां से डाउन करना है, ये शोल्डर को डाउन करना है 0.7। ये 0.7 डाउन किया, फिर इसको इस तरह से इसके साथ मिलाना है। ये मिला दिया। अभी छाती लेना है, ये 38 साइज है, 38 का चौथा हिस्सा लेना है 9.5। ये 9.5। उसके बाद 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम ले सकते हो। अभी आर्म होल का गोलाई देना है, ये मैं 1.5 इंच पे रखूंगी। नीचे की तरफ हल्का सा डाउन करके देना है। तो ये शेप इस तरह से, यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, अंदर की साइड से देना है। ये हो गया। उसके बाद कमर के लिए मेजरमेंट देना है। मैं शोल्डर से नहीं रखूंगी, मैं यहाँ से रखूंगी 6.5 इंच। अगर आपका हाइट ज्यादा है तो 7 इंच पे रखिएगा, मैं 6.5 इंच पे दिया। तो कमर कितना था, 35 था। तो 35 का चौथा हिस्सा लेना है, तो यहाँ से लेना है 8.75।
लगभग पौने नौ, इतना तक मैंने कमर लिया। फिर यहां से लेना है एक्स्ट्रा ढाई इंच लिया। आप ढाई इंच भी दे सकते हो या टू इंच भी दे सकते हो। उसके बाद हिप लेना है, तो हिप भी मैं यहां से रखूंगी। ये ब्लाउज है इसलिए मैं 12.5 इंच पे रख रही हूँ। यहां से साइड से हल्का सा काट रहेगा इसलिए मैं 12.5 इंच पे दिया। तो हिप कितना था? 39 था। 39 का चौथा हिस्सा लेना है 9.75, इतना है 9.75। उसके बाद मैं 1.5 इंच रखूंगी। हिप पे फैब्रिक ज्यादा होने से सिलाई पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमेशा 1.5 इंच से ज्यादा लेना है। तब ये पॉइंट को मिलाना है। इस तरह से तब इसको काट करना है। ये हो गया बैक पार्ट। अभी फ्रंट पार्ट काट करना है, तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया। सेम मैंने टू फोल्ड किया, ये टू फोल्ड है, ये भी ओपन साइड है और ये भी ओपन साइड है। और ये ब्लाउज का फ्रंट पे जीप होगा इसलिए मैं यहाँ से पहले 0.6 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। यहाँ से 0.6 अभी इसको मिलाना है। ये मैंने ज्यादा लिया। अब ये जो बैक पार्ट काट के इसको बिल्कुल इस तरह से मिला के रखना है। उसके बाद सेम इस पे पॉइंट लगाना है। ये हो गया। अभी क्या कर रहे हैं, फ्रंट आर्महोल के लिए शेप देना है, जिसके लिए ब्लाउज होगा उसका हमेशा ये जो फ्रंट का यहां से यहां तक कितना मेजरमेंट है वो हमेशा मेजरमेंट लेके ही देना है। तो ये है मेन पॉइंट, मुझे यहां से ही लेना है। तो यहां से मैं 7 इंच पे रखूंगी, 7 इंच। अभी इसको शेप देना है इस तरह से, इसको काट करना है। ये हो गया फ्रंट के लिए। तो यहां से थोड़ा सा शेप देना है ऊपर की तरफ, इस तरह से ऐसे हल्का सा शेप देना है। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो या सीधा भी रख सकते हो। तो अब इसके लिए आस्तीन काटना है। तो आस्तीन की मेजरमेंट कैसे लेना है, आस्तीन का जो चौड़ाई है वो कैसे लेना है, मैं लगभग हर वीडियो पे बोलती हूँ। इंची टेप का आपको इस तरह से रखना है, ये जो आपने काट के इसको बिल्कुल इस तरह से मिला के लीजिए। यहां से यहां तक लगभग 9.25 है, तो मैं 9.10 इंच का आस्तीन रखूंगी। ये फोर फोल्ड है, ये ओपन साइड है और ये जॉइन साइड है। तो आस्तीन का लंबाई लेना है, तो लंबाई मुझे 10.5 इंच चाहिए। 1.5 इंच रखूंगी एक्स्ट्रा। अब इसको पहले सीधा कर लेना है।
अब यहां से आस्तीन का चौड़ाई लेना है, पौने दोस रखना है मुझे, पौने दोस। फिर यहां से नीचे की तरफ लेके आना है। ये जो आस्तीन है ये थोड़ा लॉन्ग है, तो इसलिए मैं यहां से यहां तक 4.5 इंच रखूंगी। यहां से यहां तक 4.5 इंच लिया, तो अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिलाना है। हो गया। अब यहां से यहां तक 2.5 इंच, फिर इसको शेप देना है। ये हो गया। तो अभी आर्महोल के लिए लेना है, तो आर्महोल मैं अभी ज्यादा रखूंगी, बाद में इसको फिनिशिंग देना है, क्योंकि आस्तीन पे थोड़ा डिजाइन होगा इसलिए। तो ये है मिडल पॉइंट। आपको फ्रंट के लिए शेप देना है इस तरह से। फ्रंट साइड के लिए यहां से मैं शेप दूंगी लगभग हाफ इंच का, ये हाफ इंच का मैंने शेप दिया इस तरह से। तो ये होगा फ्रंट पे। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।